भर्ती फर्जीवाड़े को लेकर कांग्रेस ने हरियाणा सरकार पर साधा निशाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं आपके साथ मनीता। हरियाणा में भर्ती फर्जीवाड़े को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आज चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अकेले HCS अधिकारी ऐसा घोटाला नहीं कर सकता, इसमें बड़े अधिकारी और नेता भी शामिल हो सकते हैं। सरकार से 7 सवाल पूछते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, आयोग में सारा काम निजी कंपनियों से कराया जा रहा है, इसको बंद किया जाना चाहिए। सुरजेवाला ने आयोग के पुनर्गठन की भी मांग उठाई। उन्होंने कहा कि एक एक्सपर्ट पैनल भी गठित किया जाए जो नौकरियों के मामले में सुधार को लेकर सलाह दे सके। हरियाणा के भर्ती फर्जीवाड़े को रणदीप सुरजेवाला ने व्यापम से भी बड़ा घोटाला बताया। उन्होंने कहा कि अब ये पर्ची खर्ची से बढ़कर अटैची तक पहुंच गया है। HPSC अब हरियाणा पोस्ट सेल काउंटर बन गया है। 32 से अधिक पेपर लीक और भर्ती घोटाले को उजागर कर हम मीडिया के माध्यम से जनता के सामने रखते रहे, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। सुरजेवाला ने कहा कि भर्ती फर्जीवाड़ा देश का सबसे बड़ा रोजगार घोटाला है। CM मनोहर लाल 3 जुमले उछालते हैं जिसमें पारदर्शिता, मेरिट और बिना पर्ची खर्ची शामिल है। उन्होंने CM मनोहर लाल से 7 बिंदुओं पर जवाब मांगा। HPSC को हरियाणा पोस्ट सेल काउंटर क्यों बनाया जहां हर भर्ती का रेट हरियाणा में तय है। सुरजेवाला ने कहा, डेंटल सर्जन भर्ती के लिए 25-25 लाख रुपए लिए जा रहे हैं, जिनमें 8 का HCS ने भी कबूल किया है। सवाल ये है कि ऐसे कितनी भर्तियां की गई और इसका पैसा किस किस के पास गया। सुरजेवाला ने तुरंत प्रभाव से हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में इस मामले की जांच करने की मांग उठाई। प्राइम न्यूज 24 के लिए मनीता की रिपोर्ट। हरियाणा का रोजगार भर्ती और बिक्री घोटाला। खट्टर सरकार में नौकरी पाने का तरीका अब खर्ची पर्ची से अटैची तक पहुंच गया है, और HPSC जो है हरियाणा पोस्ट सेल काउंटर बन गया। हरियाणा वासियों के सामने, हमारे नौजवान युवक युवतियों के सामने एक बात साफ है, खट्टर साहब बिना पर्ची बिना खर्ची के नारे लगाकर प्रदेश के लाखों करोड़ों नौजवानों को मूर्ख बनाते रहे और हरियाणा में नौकरियों की बिक्री की मंडी चलती रही। हमारी 5 सीधी मांग है। नंबर 1, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को बगैर देरी बर्खास्त किया जाए ताकि एक निष्पक्ष जांच हो सके। नंबर 2, जिन भर्तियों की परीक्षाएं हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड में या फिर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में अनिल नागर की पोस्टिंग के दौरान हुई है, उन सारी भर्तियों को और एग्जामिनेशंस को रद्द किया जाए। नंबर 3, हरियाणा के इस नौकरी बिक्री व्यापम घोटाले की जांच पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की देखरेख में एक SIT करे, एन इन्वेस्टिगेशन मॉनिटर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट बाय एन SIT डायरेक्टली मॉनिटर्ड बाय हिम, ना कि हरियाणा सरकार की एजेंसियां करें जिनका रिकॉर्ड मैंने आपको पिछले 7 साल का बता दिया, ताकि निष्पक्ष जांच हो और कौन से सफेदपोश हरियाणा के बच्चों के भविष्य को बेचकर अपनी जेबें भर रहे हैं और ये रिश्वत कांड चला रहे हैं उनके चेहरे जनता के सामने आ सके। 4th मांग, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का पुनर्गठन हो। कोई भी नई भर्ती करने से पहले जो एक्सपर्ट्स हैं उसके लिए एक्सपर्ट्स का सुधारों के लिए एक पैनल बनाया जाए, उस पैनल की रिकमेंडेशन सार्वजनिक की जाए और उनकी फिर अनुपालना या उसका क्रियान्वयन किया जाए। और 5th मांग, खट्टर साहब हरियाणा के युवाओं से माफी मांगें जिन्हें आप बिना पर्ची बिना खर्ची के नारे देकर 7 साल से मूर्ख बना रहे हैं।